हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में। बेटनोवेट क्या है, इसके क्या क्या यूज़ेस हैं, इसके क्या क्या सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या इस क्रीम का लंबे समय तक इस्तेमाल करना सही है, क्या ये एक एस्टेरॉयड क्रीम है। तो गाइस, इस तरीके के सारे सवालों के जवाब आगे मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। क्योंकि गाइस, अगर आप अपने फेस पे किसी क्रीम, किसी ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे रीज़न जो भी हो, चाहे आप उस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल गोरे होने के लिए कर रहे हों, पिंपल के मार्क्स ठीक करने के लिए कर रहे हों, पिंपल हटाने के लिए कर रहे हों, एक्ने के लिए कर रहे हों, या पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस क्रीम के फ़ायदे और नुकसान दोनों अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा डेंजरस होती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ये है बेटनोवेट सी क्रीम, जो कि एक स्किन क्रीम है। इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसकी आउटर पैकेजिंग जो कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स में है। ये प्रोडक्ट 30 ग्राम की क्वांटिटी में आता है और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 44 रुपीज़। ये प्रोडक्ट बना है अक्टूबर 2019 में और इसकी एक्सपायरी है सितंबर 2021 की। अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें पहला है बिटमेटसोन वलरेट और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है क्लियोकिनोल। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके पहले इंग्रेडिएंट्स यानी कि बिटमेटसोन वलरेट की, तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एस्टेरॉयड है, जिसका इस्तेमाल स्किन में जलन और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। गाइस, अगर मैं बात करूँ बिटमेटसोन वलरेट के साइड इफ़ेक्ट की, तो इनमें से जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो हैं स्किन का बहुत ज़्यादा पतला होना, स्किन के कलर में चेंज होना, स्ट्रेच मार्क्स होना, अत्यधिक बालों का बढ़ना यानी कि जिस जगह पे आप उस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे हेयर ग्रोथ होना और स्किन में जलन होना। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स यानी कि क्लियोकिनोल के बारे में। सो गाइस, क्लियोकिनोल बेसिकली स्किन में जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उनसे फाइट करता है, उनसे लड़ता है। गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स का काम स्किन में सूजन और फंगल इन्फेक्शन को कम करना है। या बेटनोवेट सी क्रीम का जो उपयोग है वो स्किन में हो रहे फंगल इन्फेक्शन और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक्जिमा के लिए। इस केस में डॉक्टर इस क्रीम को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो एक बार पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्टेरॉयड क्रीम है, जिसके कि लॉन्ग टर्म के जो नुकसान हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि इस कार्डबोर्ड बॉक्स में भी ये चीज़ क्लियरली प्रिंटेड है कि नॉट बी सोल्ड बाई रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी कि गाइस, विदाउट रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इस क्रीम को ना तो बेच सकते हो और ना ही खरीद सकते हो। ये चीज़ बकायदा रेड कलर से हाईलाइट भी की गई है, जिससे कि आप इसको इग्नोर ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी ये बेची भी जाती है मेडिकल स्टोर्स में और ख़रीदी भी जाती है विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। सो गाइस, ऐसे क्रीमों का इस्तेमाल फेस पे नहीं करना चाहिए विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि इनके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ये आपके स्किन कलर को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है, डैमेज कर सकता है, स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर सकता है, और जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको ग्रोथ कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी अच्छी क्रीम्स भी हैं जिसमें कि एस्टेरॉयड, हाइड्रोक्विनोन जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप ऐसे क्रीमों को डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं फेयरनेस के लिए। नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, जिससे कि आप अपने स्किन को हेल्दी बना सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो।